अगर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तब हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हमें इतना प्रूफ करना है, हमें दिखाना है। यानी अगर मेरे पास एफ एक्स है तो उसका इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ वाई हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दोनों इक्वल होना चाहिए, यही हमें दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला चीज एफ ऑफ वाई निकालते हैं, एफ ऑफ वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वाई से, रिप्लेस कर देंगे किसको, एक्स को। जब रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आता है एफ ऑफ वाई का, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है हर जगह क्या लिख देंगे, वाई। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के लिए प्रोडक्ट करना है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो और इनटू में कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है यानी प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, सबसे पहला चीज प्रोडक्ट निकालने से पहले हम लोग चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चेक करने का तरीका कि जिस मैट्रिक्स को गुणा करेंगे उसका कॉलम और जिसके साथ गुणा करेंगे, इसको गुणा कर रहे हैं इसके साथ, तो इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इस मैट्रिक्स का कॉलम तीन है और इस मैट्रिक्स का रो तीन है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट का तरीका है इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट मिलेगा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक एलिमेंट मिलेगा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखना कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस है तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई जीरो इंटू जीरो जीरो। ठीक है, फिर इसके साथ कॉस एक्स इंटू साइन वाई, लेकिन यहां क्या है, माइनस है। ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक।
छोटा बोर्ड है, थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। ये कॉस वाई है, फिर जीरो इंटू जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगा तो उसको लेंगे नहीं। और फिर इस एलिमेंट के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू सॉरी सब माइनस साइन है एक्स इंटू जीरो जीरो, फिर वाई इंटू जीरो, तो पूरे जीरो ले लेंगे, ठीक है, जगह का कमी है। अब फिर दूसरा रो को पकड़ेंगे और इसी तरह सिमिलरली इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान देना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर जीरो इंटू जीरो, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई, लेकिन किसमें, माइनस में, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर जीरो। तीसरा, ठीक है, अब इस रो को पकड़ना है और इसके साथ जीरो इंटू, तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो जीरो। अब ध्यान देना, वन जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, ठीक है। हम लोगों के पास क्या निकला, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज है तो यहां पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना है, इस्तेमाल होने वाला है यहां पर। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहां मिस्टेक था, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, फिर जीरो, सही है। अब देखो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान देना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, चार फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, याद आ जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, प्लस कॉस ए इंटू साइन, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, और माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, कुल मिला के इस रूप में दिख रहा है, ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी यहां आ जाएगा, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स प्लस वाई। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर माइनस है और यहां भी माइनस है, अगर माइनस को कॉमन ले लें तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जब प्लस आ जाता है कॉस एक्स साइन वाई, यानी कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, यानी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके साइन ए प्लस बी लिख लेना है, तो माइनस में आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, कुल मिला के यहीं से देखिए, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, माइनस बाहर में है, माइनस लिख दिया,
लास्ट वन जीरो। अब बताओ साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहां पर साइन यहां माइनस प्लस साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या है प्लस है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ठीक है। चूंकि आज थोड़ा सा बॉदरिंग ज्यादा हो रहा है, बाहर में बार बार कोई ना कोई आ ही जाता है परेशान करने के लिए, एक बार मैं आधा वीडियो बना के फिर से डिलीट किया फिर शुरू किया, अब आवाज आ जाता है गांव घर का लोगों का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, कहीं माइनस कहीं प्लस दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, मैं फिर से वीडियो को दोबारा नहीं बना सकता, इसलिए थोड़ा मेंटेन कर लेना है, लिटिल मिस्टेक है सब, है ना। अब क्या है जीरो जीरो और वन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकल आया। अब बताओ हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू निकालना है एफ एक्स प्लस वाई, दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसी जगह से इस इक्वेशन से अगर हम लोग इसको इक्वेशन वन मान लें, इसको टू कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पुट या रिप्लेस, जो बोलिए पुट या रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वाई, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या डालेंगे एक्स प्लस वाई डालेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहां एफ एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग क्या डालेंगे एक्स प्लस वाई डालेंगे। अब बताओ यहां कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जीरो है तो जीरो है, फिर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा साइन एक्स है तो, फिर कॉस एक्स की जगह पे कॉस एक्स प्लस वाई और रेस्ट जो भी है वो सेम का सेम उतर जाएगा। अब बताओ कि इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री का राइट हैंड साइड इक्वल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। इक्वल है देखो इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और यही से हम लोगों का